वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक्स। आज हम बात करेंगे जून मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इंडियाज फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग 2020 थी, तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग जो हुई आपके पास वो दुबई में हेल्ड हुई। और दुबई में कहाँ पे? दुबई के सवाब अली एल अली स्पोर्ट्स क्लब में जो है वो आपका हुआ है। एंड इसमें विनर कौन रही? तो उमा कोलकाता टीम जो है वो आपकी इसमें विनर रही। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट कबड्डी लीग आपकी कहाँ पे हुई वुमेन्स की? तो दुबई में हुई, दुबई के सबाब अली स्पोर्ट्स क्लब में। और उमा कोलकाता जो टीम है इंडिया की वो इसमें विनर रही है। इंडिया की स्टेट टीम्स जो है उनके बीच में जो है वो आपका मैच हुआ था, जिसमें पंजाब पैंथर था आपका, उमा कोलकाता थी, फिर गुजरात की टीम थी, तो उमा कोलकाता जो है वो विनर रही। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देन वी हैव वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द थाईलैंड ओपन 2023। तो वुमेन सिंगल टाइटल जो है आपका थाईलैंड ओपन का, ये बैडमिंटन में हुआ, तो किसने जीता ये आपका? तो ये जो है हमारे पास ये जीता आपका एन सी यंग ने। एंड मेंस में किसने जीता? तो मेंस में आपका टाइटल किसने जीता थाईलैंड ओपन का? तो थाईलैंड ओपन का वुमेन्स में जीता एन सी यंग ने। और मेंस में जो है ये आपका किसने जीता? तो लैबर्ट विटीट सारन जो है इन्होंने मेंस में जीता। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनाले बनेन टर्नी 2020 साइकिलिंग कंपटीशन। तो जो आपका फिनाले बनेन टर्नी 2020 साइकिलिंग कंपटीशन हुआ, ये आपका कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ जर्मनी के डूडेनहॉफेन में। और इंडिया जो है इसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। और इंडिया से किसने ब्रॉन्ज मेडल लेके आए? तो इश्वो जो है हमारे पास, इश्वो एलवन जो है, ये 3 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए इंडिया के लिए। कहाँ पे हुआ ये? तो जर्मनी के डूडेनहॉफेन में हुआ ये आपका। सो नेक्स्ट हमारे पास आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका फिनाले बनेन टर्नी 2023 हुआ, इसमें इंडिया कितने ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है? तो 3 ब्रॉन्ज मेडल आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका फिनाले बनेन टर्नी 2023 हुआ, इसमें इंडिया के कौन प्लेयर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए? तो एश्वो एल्वन जो है वो इंडिया के लिए 3 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। सो नेक्स्ट वी हैव फ्लैंडर कप 2023। फ्लैंडर कप 2023 हमारे पास कहाँ पे हुआ? तो जो आपका फ्लैंडर कप 2023 हुआ, ये हमारे पास हुआ बेल्जियम में। एंड इंडिया जो है इसमें 2 गोल्ड मेडल लेके आए। कौन? तो अम्लान बोरगोहेन जो है, बोरगोहन जो है वो जो है इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल लेके आई हैं। तो इसे आपसे पूछा जा सकता है कि कितने गोल्ड मेडल जो है फ्लैंडर कप में इंडिया लेके आई है? तो 2 मेडल जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो आपके लिए, टोटल मेडल पूछेंगे तब भी 2 हैं, 2 गोल्ड मेडल ही लेके आई है इंडिया आपकी। और कौन लेके आई है? तो अम्लान बोरगोहन जो है वो गोल्ड मेडल लेके आई है 2 इंडिया के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका IISF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। ये आपका जर्मनी में हुआ और इसमें इंडिया जो है वो 15 गोल्ड मेडल इसमें लेके आई हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हमारे पास हुई, ये आपकी कहाँ पे हुई है? ये आपकी यूपी में हुई थी, बाबू नानक दास यूनिवर्सिटी में। तो इसमें आपकी ओवरऑल चैंपियन कौन रही है? तो ओवरऑल चैंपियन जो है आपकी वो जो है वो कंक्लूड कर लिया है, अभी रिसेंटली किया है। तो इसमें जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, ये ओवरऑल चैंपियन रही। और सेकेंड में आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो आपकी होशियारपुर में है, उसके बाद सेकंड नंबर पर वो रही। तो ये आपका रिसेंटली जो है वो डिक्लेयर किया गया, ओवरऑल चैंपियन कौन बना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आपकी चंडीगढ़ वाली वो बनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो है वो आपकी कहाँ पे हुई? तो ये आपकी साउथ कोरिया में। और इंडिया जो है इसमें 16 मेडल लेके आए हैं। और विनर कौन रहा है? तो विनर जापान रहा है, लेकिन इंडिया के लिए 19 इंडिया जो है वो 19 मेडल लेके आई है, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 6 जो है वो क्या हैं आपके ब्रॉन्ज हैं। तो इंडिया जो है वो टोटल 19 मेडल लेके आई है, विनर इसमें आपका जापान रहा है। सो नेक्स्ट वी हैव स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर 2023। तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर 2023 आपके कहाँ पे हुए हैं? तो आपके जर्मनी बर्लिन में हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहे हैं जर्मनी में। और मैस्कॉट क्या था इसका? शुभांकर क्या था? तो इम्यूनिटी जो है इसका
शुभांकर है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आपका जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड 2020 जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2023 जो है वो फर्स्ट टाइम जर्मनी के बर्लिन में हो रहे हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि 2025 का कहाँ पे होगा ये आपका, तो 2025 के जो आपके स्पेशल ओलंपिक होंगे ये आपके इटली में होंगे। तो ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली कहाँ पे हुए, तो रिसेंटली जर्मनी बर्लिन में हुआ और ये फर्स्ट टाइम हुआ। और 2025 में कहाँ पे होंगे, तो 2025 में जो है आपके इटली में रहेंगे। और इसमें इंडिया कितने मेडल लेके आई आपकी, तो इंडिया जो है इसमें 22 मेडल जो है वो लेके आई है टोटल। एंड इसका जो आपका स्लोगन था वो था आपका अनबीटेबल टुगेदर। तो इसका स्लोगन भी आपसे पूछा जा सकता है स्पेशल ओलंपिक समर 2023 का। तो इसका जो स्लोगन था वो था आपका अनबीटेबल टुगेदर। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, देन वी हैव पेरिस डायमंड लीग 2023। तो पेरिस डायमंड लीग जो आपकी हुई उसमें लॉन्ग जंप कौन, लॉन्ग जंप में थर्ड पोजीशन जो है इंडिया ने लिया। और मुरली श्री शंकर जो है इन्होंने जंप, इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में जो है वो थर्ड पोजीशन पाई है लॉन्ग जंप में, और ये इंडिया के हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो आपके पास पेरिस डायमंड लीग 2023 हुई उसमें लॉन्ग जंप में थर्ड पोजीशन किसकी आई है, तो इंडिया जो है उसमें थर्ड पोजीशन पे आपका। और किसने ये लॉन्ग जंप मारा, तो मुरली श्री शंकर जो है इनकी थर्ड पोजीशन आई है पेरिस डायमंड लीग में लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट वी हैव वुमेन जूनियर एशिया कप, ये आपका जापान में हुआ एंड इसमें विनर जो है वो रही आपकी इंडिया। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड 2023 स्क्वैश कप वहाँ पे हुआ, इंडिया के चेन्नई में हुआ 12 इयर्स के बाद जो है आपका। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि 2023 का स्क्वैश कप आपका कहाँ पे हुआ, तो इंडिया के चेन्नई में हुआ और 12 इयर्स के बाद जो है आपका हुआ है इंडिया में। सॉरी, इंडोनेशिया ओपन टाइटल 2023, तो इंडिया इंडोनेशिया का ओपन टाइटल 2023 में मेंस डबल में जो आपकी इंडिया विनर रही। तो आपसे यही पूछा जाएगा सो इंडोनेशिया ओपन टाइटल 2023 की विनर कौन रही है मेंस डबल में, तो मेंस डबल में जो आपकी विनर रही है वो इंडिया रही है। और स्वस्तिका राज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो है ये आपके इसमें मेन डबल में थे, तो इन्होंने जो है वो आपका इंडोनेशिया ओपन टाइटल जीता मेंस डबल में। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है नेशनल गेम्स 2023। तो जो आपकी नेशनल गेम्स हुई है 37th एडिशन था आपका नेशनल गेम्स का, गोवा में ये हेल्ड हुआ। और गटका जो है वो आपका क्या है, तो गटका जो है हमारे पास पंजाब का मार्शल आर्ट है और इसको जो है वो इंक्लूड किया गया आपका नेशनल गेम्स में रिसेंटली। और मैस्कॉट क्या था इसका, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, तो इसका जो मैस्कॉट था वो था आपका मोगा। तो ये हमने लास्ट मंथ के जो मई मंथ में पढ़ा उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था नेशनल गेम्स 2023 का। तो गटका जो आपका उसको ऑफिशियल इंक्लूड किया गया, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो गोवा में ये हेल्ड हुई है गटका जो उसको ऑफिशियल इंक्लूड किया, जो एक पंजाबी मार्शल आर्ट है और मैस्कॉट है इसका आपका मोगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है फर्स्ट टाइम मेडल लेके आया है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में। तो ये आपका चाइना में हुआ और इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम जो वो मेडल लेके आई है भावना सिटी। और कौन सा मेडल, ब्रॉन्जे मेडल जो वो फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए लेके आई है भावना सिटी। और ये फर्स्ट वुमेन बन गई है और फर्स्ट इंडियन जो एशिया के लिए फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल लेके आई है, फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट वुमेन जो फेंसिंग चैंपियनशिप में आपका मेडल लेके आई है, तो वो है आपकी भवानी शेट्टी। ये कहाँ पे हुआ आपका, चाइना में ये हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट वी हैव वुमेन एमर्जिंग एशिया कप 2023, तो जो आपके वुमेन एमर्जिंग एशिया कप 2023 हो रहे हैं ये हो रहे हैं होस्ट हांगकॉन्ग में, और इंडिया ए जो है वो आपकी चैंपियन रही इसमें ओपन एडिशन जो आपका ये होता है ओपनिंग एडिशन की जो विनर रही है वो इंडिया ए जो आपकी चैंपियन रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक जो है वो कराया जा रहा है। इसको होस्ट कौन करेगा, तो इसको जो है वो आपका होस्ट कर रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट फुटबॉल कौन प्लेयर कौन बने जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। तो जो आपके फेमस खिलाड़ी है फुटबॉल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो वही जो है वो फुटबॉल प्लेयर बने हैं, फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फीफा क्लब वर्ल्ड 2025, आपका यूएसए में होगा। नेक्स्ट वी हैव एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी 2023। तो जो आपका एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है, इसको 3 मेंबर्स ने जो है वो आपका ज्वाइन किया है, जिसमें इंडिया की झूलन गोस्वामी है और इसके अलावा 2 और हैं जिन्होंने आपका एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी जो है वो ज्वाइन करी है। सो आज के लिए बस इतना ही, कल जो है वो हम मिलेंगे जुलाई मास के स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.